अभय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बात देखने में बड़ी अटपटी लगती है कि मजदूर तो सारे नियम कायदे कानून का पालन करें, लेकिन अगर आप बड़े हैं, रसूखदार हैं, तो आपके लिए तमाम सारे बैरियर, तमाम सारे सारे बॉर्डर के जो नियम कायदे कानून है वो ढील हो जाती है। तो ये कहीं देखने को मिला। मैं बहस के आगे सिरे में धीरे धीरे आगे चीज़ें ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर चाहता हूँ कि इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि कायदे से लाइन्स बना के आएँ, स्टेशन पर लाइन लगा के पहुँचें, तो मजदूरों को ये जानने का भी हक है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं। अभय अभय जी का फोन शायद कट गया है, मैं वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता को डॉक्टर के शर्मा को ये चांस देता हूं। डॉक्टर के शर्मा। नहीं प्रतीक जी, आज देखिए आपने शुरुआत में एक अच्छी खबर बताई। हाँ, आपने शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी खबर बताई कि आज से ही, कल से ही जो है ये प्रारंभ हो रहा है कि जो मजदूर हैं, जो कहीं पर फंसे हैं और दिक्कत महसूस कर रहे हैं और वो अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और वो भी निशुल्क रूप से उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सहयोग है उनके लिए, और अभी तक उन्होंने 40 दिन अच्छा सहयोग दिया, और उस सहयोग के कारण से जब अपने स्थान पर वो रहे, उससे जो एक बड़ी जो चेन चली आ रही थी, मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, सवाल मैंने ये पूछा था डॉक्टर के शर्मा, मैंने सवाल ये पूछा था कि बड़े लोग, रसूखदार लोग कानून तोड़ देते हैं और जो गरीब मजदूर होता है वो कायदे कानून उसको सारे बताए जाते हैं। डॉक्टर के शर्मा। नहीं, ये बिल्कुल से देखिए, कानून तो प्रतीक जी इस देश में सबके लिए समान, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा। प्रश्न ये है कि वो उसको कौन पालना करता है और कौन जो है अपने रसूख का प्रयोग करके उसको तोड़ता है। जो तोड़ता है वो किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और जो उसको तोड़ने में मदद करता है, कांग्रेस के विधायक ने तोड़ा नियम। आज कांग्रेस के विधायक ने एक नियम तोड़ दिया, वो बॉर्डर क्रॉस करके गुड़गांव का, जो काम करता है कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो लोगों को अपने रसूख का है, जैसे आपने एक बताया, अभी एक बड़ा केस महाराष्ट्र के अंदर आया था बाधवान फैमिली का, और उसमें आपने देखा कि किस ढंग से वहां के महाराष्ट्र की जो सरकार है, गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, और किस ढंग से उसको परमिशन दिया गया और वो वहां से। अरे, आपको झारखंड क्यों नहीं दिखता है भाई? झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाय रोड दिल्ली रांची पहुंच जाते हैं दिल्ली से। नहीं ठीक है, झारखंड क्यों नहीं दिखता है? अरे, आपको बिहार क्यों नहीं दिखता है कि आपके आपके भारतीय जनता के पार्टी बोलने की तकलीफ है? कोटा के लिए पास बनवा लेते हैं अपने बच्चियों को लाने के लिए। आपको बोलने की तकलीफ है? जब गलत बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे तो हमारी जवाबदेही बनती है। ये गलत है, आप गलत बोल रहे हैं ना शर्मा जी, आप झूठ बोल रहे हैं ना शर्मा जी, आप तोहमत लगा रहे हैं शर्मा जी, आप गलत तोहमत लगा रहे हैं शर्मा जी। आप क्यों नहीं कहते अगर कार्रवाई, आप क्यों नहीं कहते कि झारखंड के भाजपा सांसदों को कार्रवाई होनी चाहिए? अरे मांग कीजिए ना आप, बीच बीच में बोलने की आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है शर्मा जी, आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इसी तरह का अनैतिक काम किया, एसडीओ निलंबित हो गया, ड्राइवर निलंबित हो गया, बॉडीगार्ड निलंबित हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने विधायक पे कार्रवाई करे। नवादा के विधायक ने अवैध तरीके से पास दानिश रिजवान साहब, आप जरूर बोलिएगा, और दानिश रिजवान साहब बॉडीगार्ड निलंबित हो गया, दानिश रिजवान निलंबित हो गया, दानिश रिजवान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, दानिश रिजवान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं, उनकी बात, उनको मैंने सबसे पहले बोलने का बोला था, अब आप फिर बोलिएगा। अभय दुबे जी, रसूखदार के लिए कानून कुछ नहीं। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत छोटा उदाहरण है जो आपने दिया है, बहुत बड़ा उदाहरण मैं देश के सम्मुख रखना चाहता हूं। ये देश के सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि 27 मार्च को और 28 मार्च को ये खबरें दिखाई कि हजारों मजदूर बेबस लाचार सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन एक सच जो देश के सामने नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूं। 21 मार्च को केंद्र की सरकार ने ऑफिशियली एयर स्पेस के कमर्शियल ऑपरेशंस को सीज किया है, बंद किया है। जानते हैं उसके एक सप्ताह पहले तक
16 मार्च से फॉल्कन 2000 चार्टर जो हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, 102 फ्लाइट लैंड कराई गई हिंदुस्तान में, सुपर रिच परिवारों के बच्चे हिंदुस्तान नियोजित रूप से लाए गए, लेकिन 4 घंटे का भी समय नहीं देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को घोषित कर दिया और मजदूरों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। जिस वधावन परिवार की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सख्त एक्शन लिया, पास जारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार ने दी। मैं टुमकुर के विधायक जो लॉकडाउन को तोड़कर जन्मदिन की पार्टी ऐश्वर्य के आडंबर से मनाते उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। मैं रायगढ़ के महाराष्ट्र के उस पार्षद की बात भाजपा के करना चाहता हूं जिसने सैकड़ों लोगों को एकत्रित करके अपने जन्मदिन का ऐश्वर्य का आडंबर बनाया, उस पर भाजपा ने क्या एक्शन लिया। अगर प्रतीक जी मैसूर में क्या हुआ, दर बदर की ठोकर खाते रहे। हमने यही तो कहा था कि उन मजदूरों के लिए ट्रेन चला दीजिए, उन मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था कीजिए प्रधानमंत्री जी, 7,500 रुपए तीन महीने तक उनको बेसिक इनकम का प्रबंध कीजिए, वो भूखे भूखे मर रहे हैं। बुरे नाम है 500 किलोमीटर। शर्मा कुछ कहना चाहते, मैं आ रहा हूँ, किलोमीटर पहले वो सतीश जी आ रहा हूँ, शर्मा जी कुछ कहना चाहते, जोड़ना देश की केंद्र की सरकार दिल नहीं पसीजता प्रदीप जी, आज वेदना है। डॉक्टर मजदूर दिवस, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर